सब्सक्राइब कीजिए नंदा सहार्दिक चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, उससे आपको सबसे पहले मेरी न्यूज मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, तो सबसे पहले आप यहाँ पे पोज आईडी को ओपन कर लीजिए। मैं यहाँ पे मेरा में देखते हैं, पहले हम पोज आईडी को ओपन कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हमारा पोज आईडी ओपन हो गया। अभी हमें देखना है कि जो हमारे वॉलेट के अंदर ऑटो क्रेडिट होता है, वो ऑटो क्रेडिट में जो बैलेंस आती है वो कितनी उसकी लिमिट है और वो क्या है, किस तरह से देख सकते हैं उसके बारे में अभी मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पे थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है जियो अदर सेल्स। जैसे ही आप जियो अदर सेल्स के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर है आपके पास यहाँ पर ऑटो रिफिल ई वॉलेट। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जियो अदर सेल्स में आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो मेरी यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट है वो यहाँ पे 5000 रखी हुई है। तो अगर मेरे सुबह सुबह जो मेरे अकाउंट में, मान लो कि आज की डेट 30 तारीख है, तो 30 तारीख के अंदर मेरे अकाउंट में सबसे पहले सुबह 5000 12 बजे के बाद 30 तारीख के अंदर 5000 नहीं हो गए, तो 5000 में जितने भी कम हो गए उसके हिसाब से वहाँ पे ऑटो क्रेडिट मेरे अकाउंट में हो जाएगी। जितनी थ्रेशोल्ड लिमिट रखी होगी उतना आपके अकाउंट में ऑलरेडी रुपीज़ कुछ भी हो जाए रहेगी। अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट के बेस पे कितना अमाउंट है वो क्रेडिट हुआ है वो आपको देखना है, तो कहाँ से देख सकते हैं तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, ये तो आपका हो गया। उसके बाद आपको वापस वही थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपको जाना है जियो अदर सेल्स। जैसे ही जियो अदर सेल्स में जाओगे उसके बाद आपको यहाँ पे ऑटो रिफिल वॉलेट के अंदर देखा तो आपको यहाँ पे क्रेडिट देखने को मिलेगी, लेकिन परफॉर्मेंस डैशबोर्ड के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पे पूरा पूरा रिटेलर डैशबोर्ड दिखेगा। उसके अंदर आपको यहाँ पे लेडर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही लेडर के ऊपर क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पर आपको सभी की सभी डिटेल्स देखने को मिलेगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि ये लास्ट जहाँ पे आप सबसे पहले देखोगे रिटेलर वॉलेट, लास्ट अपडेट ऑन 30 January 7:30 AM, तभी यहाँ पे मेरा ये अपडेट हुआ है। मेरा पोज आईडी है, मेरा ये सब लिखा हुआ है। अगर आपको यहाँ पे देखना है तो आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 7 days का ही यहाँ पे व्यू देख सकते हो। अगर कुछ भी आगे आगे पीछे करोगे तो वो दिखेगा। इसमें पहले क्या था कि आप जिस दिन में करंट आज की 30 तारीख तक देख रहे हो तो आपको यहाँ पे 29 तारीख तक का ही दिखता था, 30 तारीख का नहीं दिख रहा था। लेकिन यहाँ से आज से नया अपडेट आया है जियो पोज के अंदर, जिसमें आप 30 तारीख का, 30 जनवरी का भी आप देख सकते हो। अगर सुबह आपकी 6 बजे, 5 बजे या 4 बजे कुछ भी क्रेडिट हुआ है अमाउंट, तो वो आप यहाँ पे आज के दिन के अंदर खोलोगे तो यहाँ पे 30 जनवरी भी लिखा हुआ आएगा। मेरे अकाउंट के अंदर यहाँ पे 29 जनवरी तक का ही जो क्रेडिट था, वो डेबिट था, वो सब यहाँ पे रहा है। उसके अलावा 30 जनवरी के अंदर मेरा कुछ भी यहाँ पे क्रेडिट नहीं हुआ मेरे जियो पोज के अंदर, इसी वजह से यहाँ पे दिखा नहीं रहा। अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे जियो अदर सेल्स में जाके यहाँ पे और आप यहाँ जियो अदर सेल्स में जाके यहाँ पे परफॉर्मेंस, उसके बाद लेडर में जाके यहाँ पे अपना देख सकते हो, जिसमें आपको 30 तारीख या फिर आपका क्रेडिट हुआ अकाउंट का आपको मैसेज आया। मान लो कि 500 रुपीज़ क्रेडिट हुए या 1500 हुए या 1000 हुआ या कुछ भी अकाउंट में आपको क्रेडिट हुआ, अगर आपका उसका टेक्स्ट मैसेज आ रहा है तो उस टेक्स्ट मैसेज को देख लीजिए कितना क्रेडिट हुआ। उसके बाद आपको यहाँ पे जियो पोज के अंदर जाके वो देख सकते हो, यहाँ पे आपका डेट के साथ में वो भी आ जाएगा। इसमें अपडेट वही हुआ है कि जिस करंट डेट यहाँ पे अभी करंट डेट पहले नहीं दिखा रही थी और अभी यहाँ पे करंट डेट भी क्रेडिट हुई वो भी दिखा रही है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिए, मैं उसका जल्द से जल्द और अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा और आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दूंगा।